हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेके गाइस। और आज है गाइस हमेशा की तरह इस बॉक्स में बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारी प्यारी स्टेशनरी आइटम गाइस। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे बताना आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली तरफ से। तो चलो फटाफट इस बॉक्स को खाली करते हैं, देखते हैं दोस्तों आज इस बॉक्स से हमें किस तरह की स्टेशनरी आइटम मिलती है और क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो ये देखो दोस्तों कितना प्यारा और कितना सुंदर सा दोस्तों हमें मिलता है एक काफी प्यारा सा एक पेन और पेंसिल स्टैंड। ये देख सकते हो दोस्तों कितना पिटी है, और ये देख सकते हो दोस्तों क्राउन लुक में पेन और पेंसिल स्टैंड है। हाँ देख सकते हो दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, और इस कंपार्टमेंट गहराई काफी अच्छी, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। फ्रंट में हमें मिरर मिल जाता है जिसमें दोस्तों हम अपना फेस देख सकते हैं, और ये मिरर देखो दोस्तों दिल लुक में, और यहां देखो दोस्तों हमें एक और दिल मिलता है, और इस दिल में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक क्लिप। ये देख सकते हो दोस्तों वुडन की क्लिप है दोस्तों, काफी जबरदस्त ये पेन और पेंसिल स्टैंड है। तो आपको पेन और पेंसिल स्टैंड कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताने। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, एक जिराफ, और बहुत दोस्तों काफी सुंदर सा जिराफ मिलता है। और दोस्तों ये जिराफ नहीं है, ये है जिराफ वाला एक पेन, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो ये देख सकते हो जिराफ का सर, और ये देखो दोस्तों पैर, और इन दोनों चीज को दोस्तों खींचेंगे तो पेन बाहर आएगा। तो ये देखो दोस्तों पेन की टिप कितनी जबरदस्त, काफी पतली टिप है, और ये देखो दोस्तों जेल पेन है, काफी अच्छा पेन भी चल रहा है। तो आपको ये जिराफ वाला पेन कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक मोबाइल फोन, वो भी एप्पल का, और वो दोस्तों ये तो एप्पल का मोबाइल फोन मिला। और दोस्तों ये मोबाइल फोन नहीं है, ये है एक करेक्शन टेप मोबाइल फोन लुक में दोस्तों, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो यहां देख सकते हो दोस्तों हमें बटन मिलता है, इस बटन को ऊपर करेंगे तो करेक्शन टेप दोस्तों बाहर आ जाएगा। देख सकते हो दोस्तों मोबाइल फोन वाला करेक्शन टेप आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, एक हैंड पर्स, और वो दोस्तों, और दोस्तों ये हैंड पर्स नहीं है, ये है एक पेंसिल शार्पनर हैंड पर्स लुक में। नीचे देख सकते हो दोस्तों हमें एक होल मिलता है, इस होल में पेंसिल को डालेंगे, पेंसिल शार्प करेंगे, सारा कूड़ा दोस्तों इसमें जमा हो जाएगा, और इस बैग को दोस्तों इस तरह से खोलेंगे फिर पेंसिल का सारा कूड़ा फेंक देंगे। तो आपको ये बैग वाला पेंसिल शार्पनर कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें कितने बड़े बड़े कैंडी मिले दोस्तों, और ये देखो दोस्तों कैंडी नहीं है, ये है हाइलाइटर सेट कैंडी वाले, वो कैसे चलो दिखाता हूँ। फटाफट निकालता हूँ पैकेट से और दिखाता हूँ दोस्तों आपको ये कैंडी वाले हाइलाइटर। ये देख सकते हो दोस्तों साइज काफी जबरदस्त है, मेरी उंगलियों से भी बड़े बड़े दोस्तों ये साइज के ये हाइलाइटर है। चलो ढक्कन ओपन करते देखते दोस्तों टिप कैसी है। तो ढक्कन किधर से ओपन होगा, ढक्कन दोस्तों इधर से ओपन होगा, ढक्कन ओपन किया, ये देखो दोस्तों टिप, और ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त चल रहा है हाइलाइटर, है ना काफी जबरदस्त हाइलाइटर। तो आपको ये कैंडी सेट वाला हाइलाइटर सेट कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक मिनियंस का रूलर, और वह दोस्तों काफी जबरदस्त रूलर है, और ये 20 सेंटीमीटर का रूलर है, और ये रूलर दोस्तों फोल्डेबल रूलर है, कुछ इस तरह से ओपन करेंगे, और इसे ओपन करते इसके अंदर देखो दोस्तों हमें क्या मिला, रूलर के अंदर दोस्तों हमें मिरर मिल जाता, और ये देखो दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास भी मिल जाता इस रूलर में। देख सकते हो काफी जबरदस्त रूलर है दोस्तों, काफी अमेजिंग रूलर है, फोल्डेबल रूलर। आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, एक कैटरपिलर, और दोस्तों ये कैटरपिलर नहीं है, ये है एक कैटरपिलर वाला पेंसिल शार्पनर। नीचे देख सकते हो दोस्तों हमें एक होल मिलता है, इस होल में पेंसिल को डालेंगे, पेंसिल को शार्प करेंगे, सारा कूड़ा दोस्तों इसमें जमा हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों कैटरपिलर वाला शार्पनर है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर सी ज्योमेट्री बॉक्स, और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स आपने 100% कभी भी नहीं देखी होगी दोस्तों। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 150 रुपीज की परचेज करी। फटाफट दोस्तों पन्नी से निकालता हूं, दिखाता हूं दोस्तों आपको ज्योमेट्री बॉक्स, फिर आप मुझे बताना आपको ये ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी। तो ये देख सकते हो दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स के यहाँ पे हमें दो दो बटन मिलते हैं, ऊपर एक बटन मिलता है, एक बटन नीचे मिलता है। तो ऊपर वाले बटन को दबाते हैं, ऊपर वाला बटन दबाया तो देखो दोस्तों ढक्कन ओपन हो गया, ऊपर वाले बटन को दबाते और
ढक्कन ओपन होते हैं। यहाँ देखो दोस्तों हमें मिलता है एक व्हाइट बोर्ड, ये देखो दोस्तों व्हाइट बोर्ड मिलता है, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों व्हाइट बोर्ड मिलता है। और यहाँ देखो दोस्तों एक कंपार्टमेंट मिलता है, और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें एक दो तीन तीन सेक्शन मिलते हैं। एक सेक्शन में दोस्तों हमें मार्कर मिल जाता है, जिससे दोस्तों हम अपने व्हाइट बोर्ड पर कुछ भी अपना वर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा सेक्शन है दोस्तों जिसमें हम अपने स्टेशनरी आइटम रखेंगे। एक काफी बड़ा सेक्शन है जिसमें दोस्तों हम पेन पेंसिल को रख सकते हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स की खासियत दिखाता हूं, तो ये देखो दोस्तों व्हाइट बोर्ड, और इस व्हाइट बोर्ड को दोस्तों हम इस जगह गए लॉक कर देंगे, और फिर दोस्तों ये देखो दोस्तों कुछ इस तरह से ज्योमेट्री बॉक्स बन जाएगी। फिर दोस्तों हम इस पे अपना कुछ भी वर्क करके अपना टाइम पास कर सकते हैं दोस्तों, या होमवर्क कर सकते हैं या रफ वर्क कर सकते हैं, काफी जबरदस्त है। चलो पीछे वाले ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। तो पीछे वाले ढक्कन को ओपन करने के लिए दोस्तों नीचे वाले बटन को दबाना पड़ेगा। नीचे वाले बटन को दबा तो ये देखो दोस्तों पीछे हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, और पीछे वाले कंपार्टमेंट में देखो दोस्तों हमें एक पेंसिल लॉक मिलता है, और इतनी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हमें पेंसिल लॉक किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता है। देख सकते हो कितनी पेंसिल लॉक हो जाएगी इसके अंदर, एक दो तीन चार पांच, पांच पेंसिल लॉक हो जाएगी दोस्तों। स्पेस काफी अच्छा है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये व्हाइट बोर्ड वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, एक बनाना, और वह दोस्तों बनाना मिला। और दोस्तों ये बनाना नहीं है, ये है बनाना वाला एक इरेजर, काफी जबरदस्त। ये देखो दोस्तों ऊपर बनाना मिलता और ये इरेजर, और बनाना का छिलका भी दोस्तों इरेजर है, देख सकते हो काफी जबरदस्त इरेजर है बनाना इरेजर। आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते एक और बहुत ही प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स आपने कभी भी नहीं देखी होगी। वो कैसे, चलो दिखा दो। तो सबसे पहले देखो दोस्तों हमें यहाँ एक स्टिकर मिलता है जिसमें दोस्तों हम अपना नाम और क्लास सब कुछ लिख सकते हैं दोस्तों। चलो ढक्कन ओपन करते देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो यहाँ देखो दोस्तों हमें एक पॉकेट मिलता है जिसमें दोस्तों हम अपना पूरा क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं। और ये देखो दोस्तों पहले हम पन्नी को हटाते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर का कंपार्टमेंट। तो ये देखो दोस्तों एक कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, और इस कंपार्टमेंट में देखो दोस्तों हमें एक दो तीन चार पांच, पांच पेंसिल लॉक मिलता है। और ये देखो दोस्तों कितनी अच्छी क्वालिटी का पेंसिल लॉक मिलता है। और यहाँ देखो दोस्तों हमें एक दो तीन चार पांच, पांच बटन मिलते हैं। इन पांचों बटन को दबाएंगे तो ये देखो दोस्तों हमारे पेंसिल लॉक मिसाइल लुक में बन जाएंगे, देख सकते हो दोस्तों काफी जबरदस्त है। और यहाँ देखो दोस्तों हमें शार्पनर मिलता है, यहाँ से हम अपनी पेंसिल को डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे। और यहाँ देखो दोस्तों हमें रोटेटिंग व्हील मिलता है, इस रोटेटिंग व्हील का क्या यूज है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले शार्पनर का ढक्कन ओपन करता हूँ। शार्पनर का ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों अब इस व्हील को घुमाऊंगा तो ये देखो दोस्तों शार्पनर बन जाएगा, एक शॉर्ट पॉइंट शार्पनर, देख सकते हो दोस्तों काफी गजब का दोस्तों ये रोटेटिंग व्हील है जिससे दोस्तों हमारा शार्पनर लॉन्ग पॉइंट से शॉर्ट पॉइंट बन जाएगा, शॉर्ट पॉइंट से लॉन्ग पॉइंट शार्पनर बन जाएगा। काफी गजब की ज्योमेट्री बॉक्स, और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स मैंने कभी भी नहीं देखी थी दोस्तों जिसमें हमें ये वाला ऑप्शन मिले। चलो पीछे वाला ढक्कन ओपन करते देखते कि नहीं स्पेस है। पीछे वाला ढक्कन ओपन किया तो यहाँ देखो दोस्तों एक कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट के गहराई काफी अच्छे, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये शॉर्ट पॉइंट और लॉन्ग पॉइंट शार्पनर वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते कलरफुल एक मछली, ये देख सकते हो दोस्तों मछली मिलती है, और दोस्तों मछली नहीं है ये है मछली लुक में एक पेन, वो कैसे चलो दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों ढक्कन ओपन किया और इसके अंदर की टिप देखो दोस्तों काफी जबरदस्त है। तो आपको ये कलरफुल मछली वाला पेन कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है एक स्टेशनरी किट, काफी गजब की स्टेशनरी किट है, और ऊपर देखो दोस्तों हमें काफी अच्छी क्वालिटी का एक हैंडल मिलता है जिसे पकड़ के काफी इजी से कैरी करके चल सकते हैं दोस्तों। काफी अमेजिंग स्टेशनरी किट है, और ऐसी स्टेशनरी किट मैंने कभी भी नहीं देखी थी दोस्तों। चलो जिप ओपन करते हैं, देखते हैं दोस्तों इस किट में हमें कितनी चीजें मिलती है और क्या क्या चीजें मिलती है स्टेशनरी आइटम में। तो सबसे पहले देखो दोस्तों इसके अंदर मिलते हैं हमें क्रियॉन्स कलर, और वह और कितने शेड्स के क्रियॉन्स कलर मिलेंगे, 12 शेड्स के दोस्तों हमें क्रियॉन्स कलर मिलेंगे। चलो साइज देखते हैं और क्वालिटी देखते हैं इन क्रियॉन्स कलर की, तो निकालते हैं बॉक्स से। तो ये देखो दोस्तों क्रियॉन्स कलर के साइज, काफी अच्छे साइज के दोस्तों क्रियॉन्स कलर है, और क्वालिटी भी दोस्तों काफी अच्छी है इन क्रियॉन्स कलर की। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस किट में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस किट में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं छोटी सी डायरी, डायरी पे अपने छोटे छोटे नोट्स भी लिख सकते हैं दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस किट में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस किट में देखो दोस्तों हमें एक नहीं दो दो शार्पनर मिलते हैं, ये देखो दोस्तों, और दो दो शार्पनर दोस्तों हमें किसी भी किट में नहीं मिलते, काफी जबरदस्त किट है, और शार्पनर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, देख सकते हो। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस किट में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस किट में देखो दोस्तों हमें दो दो इरेजर मिलती है, ये देखो दोस्तों, और दो दो इरेजर भी दोस्तों हमें किसी भी किट में नहीं मिलती, देख सकते हो दोस्तों, और काफी मोटी मोटी इरेजर मिल जाते हैं। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस किट में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस किट में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं ऑयल पेस्टल कलर, और कितने शेड्स मिलेंगे इसके अंदर, 12 शेड्स के गाइस ऑयल पेस्टल
प्रेशर कलर मिलेगी। फटाफट 200 बॉक्स से निकालते, देखते दोस्तों ऑयल प्रेशर कलर की क्वालिटी कैसी है। तो निकाला बॉक्स से, तो ये देखो दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी की दोस्तों ऑयल प्रेशर कलर है और हेक्सागोन वाले दोस्तों ऑयल प्रेशर कलर है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस किट में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस किट में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक एचबी पेंसिल बॉक्स दोस्तों, और इसके अंदर दोस्तों हमें 12 एचबी पेंसिल मिलेगी, और 12 एचबी पेंसिल दोस्तों हमें किसी भी स्टेशनरी किट में नहीं मिलती है। तो ये देखो दोस्तों हेक्सागोन वाली दोस्तों एचबी पेंसिल है। सारी पेंसिल को निकालता हूं, दिखाता हूं दोस्तों आपको इस पेंसिल। तो ये देखो दोस्तों, और सबसे अच्छी बात है दोस्तों इन पेंसिल के पीछे दोस्तों हमें इरेजर भी मिल जाती है। ये देखो दोस्तों है ना काफी अमेजिंग। साइज की बात करें साइज भी काफी अच्छा है, और हेक्सागोन वाली दोस्तों हमें एचबी पेंसिल मिल जाती है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस किट में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस किट में देखो दोस्तों हमें मिलती है कलर पेंसिल, और इसके अंदर दोस्तों हमें 18 कलर की दोस्तों कलर पेंसिल मिलेगी। चलो निकालते हैं, देखते हैं दोस्तों साइज कैसे इन कलर पेंसिल के। तो निकाला बॉक्स से, तो ये देखो दोस्तों साइज तो काफी जबरदस्त है, और क्वालिटी की बात करें क्वालिटी वाकई में काफी अच्छी है दोस्तों इस कलर पेंसिल की। और सबसे अच्छी बात है ट्रायंगुलर कलर पेंसिल मिल जाते हैं इस किट के अंदर, काफी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों कलर पेंसिल मिल गई। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस किट में हमें क्या मिलता है। तो इस किट में देखो दोस्तों हमें मिलती है एक ड्रॉइंग बुक, और ये देखो दोस्तों पेजेस कितने बड़े बड़े पेजेस हैं दोस्तों, काफी सारे पेजेस मिल जाते हैं। ये ड्रॉइंग बुक भी बहुत ही जबरदस्त है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस किट में हमें क्या मिलता है। किट हो गई खाली, और इस बैग में दोस्तों हम अपनी स्टेशनरी के अलावा कुछ और चीजें भी रख सकते हैं दोस्तों। बैग की क्वालिटी काफी जबरदस्त है दोस्तों, काफी अमेजिंग। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक प्रिंसेस का पेंसिल पाउच दोस्तों, ये भी काफी जबरदस्त है। और इस पेंसिल पाउच में दोस्तों हमें 1, 2, 3 जिप मिलती है, और यहां देखो दोस्तों टेप मिलता है। टेप को हटाया तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर क्या मिला, 1, 2, 3 पेंसिल लॉक मिल गया, और यहां देखो दोस्तों छोटा सा पॉकेट मिलता है। चलो जिप ओपन करते हैं, देखते हैं दोस्तों इसमें कितना स्पेस है। पहले जिप को ओपन किया तो इसके अंदर का स्पेस काफी अच्छा है दोस्तों, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो सेकंड जिप को ओपन करते हैं, सेकंड जिप को भी ओपन किया तो इसके अंदर भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो थर्ड जिप को ओपन करते हैं, थर्ड जिप को ओपन किया तो इस वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। प्रिंसेस की पेंसिल पाउच वाकई में काफी जबरदस्त है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स, और इस डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर दोस्तों हमें नेविगेशन मिलता है, साथ ही दोस्तों हमें दो दो बटन मिलता है। दोनों बटन का यूज देखते हैं, तो पहले बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों शार्पनर बाहर आ गया, सेकंड बटन दबाया तो ये देखो दोस्तों साइड से एक कंपार्टमेंट बाहर आता है। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, और यहां देख सकते हो दोस्तों हमें मिलता है लॉक, और इस लॉक का पासवर्ड क्या है, 258। तो 2 को हम सेट कर लेते हैं, 5 को भी सेट कर लेते हैं, और 8 को भी सेट कर लेते हैं। चलो ऊपर वाला ढक्कन खोलते हैं, तो ऊपर वाले ढक्कन खोलने के लिए दोस्तों ऊपर वाले लॉक को दबाना पड़ेगा, फिर जाके दोस्तों ऊपर वाला ढक्कन ओपन होगा। यहां देख सकते हो एक कंपार्टमेंट मिलता है, और इस कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छा है, और इस कंपार्टमेंट में देखो दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4 पेंसिल लॉक मिलता है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम भी आ जाएगा दोस्तों। चलो नीचे वाला ढक्कन ओपन करते हैं, तो नीचे वाले ढक्कन को खोलने के लिए दोस्तों नीचे वाले लॉक को दबाना पड़ेगा, फिर दोस्तों नीचे वाला ढक्कन ओपन होगा। नीचे वाले कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छी है, और नीचे कंपार्टमेंट में देखो दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है, काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों डोरेमोन की। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है एक यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स, और ये ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों मेटल का, और इस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर देखो दोस्तों हमें कैलकुलेटर भी मिल जाता है, काफी जबरदस्त। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो ये देखो दोस्तों इसमें गाइस हमें मिलता है एक ट्रे, ट्रे के ऊपर दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है, और ट्रे पे भी दोस्तों हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। और इस ट्रे को हटाते हैं तो नीचे एक कंपार्टमेंट मिलता है, और नीचे वाले कंपार्टमेंट में गहराई काफी अच्छे, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हम मिलते हैं सुपर 3D ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, और इस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर देख सकते हो दोस्तों हमें कितना जबरदस्त, कितना प्यारा वॉलपेपर मिल जाता है, सुपर 3D लुक में दोस्तों वॉलपेपर है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, तो लॉक देखो दोस्तों काफी जबरदस्त है, लॉक ओपन किया यहां देख सकते हो दोस्तों एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4 सेक्शन मिलते हैं दोस्तों, और एक सेक्शन में हमें 1, 2, 3, 4 पेंसिल लॉक भी मिल जाता है। ट्रे को हटाते हैं, ट्रे को हटाया तो नीचे वाले कंपार्टमेंट गहरे काफी अच्छे, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है सनशाइन की बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही क्यूट सी एक पेंसिल पाउच दोस्तों, काफी जबरदस्त है दोस्तों। इसमें दोस्तों हमें एक ही जिप मिलती है, इसे ओपन किया काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। पाउच वाकई में काफी जबरदस्त है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है
मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलता है एक काफी बड़ा बॉक्स, और बॉक्स में हमें क्या मिलेगा, तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलेगा बुक स्टैंड। तो फटाफट दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं, निकालते बुक स्टैंड, देखते हैं दोस्तों कैसी क्वालिटी का बुक स्टैंड है। तो ये देखो दोस्तों काफी जबरदस्त क्वालिटी का दोस्तों बुक स्टैंड है। और ये देखो दोस्तों बुक स्टैंड में हमें क्या मिला, ये क्या है, तो पन्नी से निकालते देखते दोस्तों ये क्या चीज है। तो पन्नी से निकाला तो ये तो दोस्तों एक पेन स्टैंड, और इस पेन स्टैंड में दोस्तों हमें एक हिडन कंपार्टमेंट भी मिलता है। ये देख सकते हो दोस्तों हिडन कंपार्टमेंट काफी जबरदस्त दोस्तों, काफी अमेजिंग। और इस पेन स्टैंड को दोस्तों हम कहां लगाएंगे, तो इस पेन स्टैंड को दोस्तों हम इस जगह लगा लेंगे दोस्तों, फिर दोस्तों ये सेट हो जाएगा काफी अच्छी तरीके से। ये देखो दोस्तों सेट हो गया। और ये देखो दोस्तों बुक स्टैंड, और ये बुक स्टैंड देखो दोस्तों कितना चौड़ा भी है दोस्तों, काफी सारी बुक भी आ जाएगी दोस्तों इस बुक स्टैंड में। तो आपको बुक स्टैंड और पेंसिल स्टैंड कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सबसे अच्छी बात है दोस्तों ये मेटल का दोस्तों बुक स्टैंड है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक ज्योमेट्री बॉक्स, और ये ज्योमेट्री बॉक्स देखो दोस्तों ट्रेन लुक में काफी जबरदस्त है। और यहां देखो दोस्तों ट्रेन का इंजन, और इस ट्रेन के इंजन में दोस्तों हमें एक होल मिलता है, और दोस्तों ये होल नहीं है, ये है एक पेंसिल शार्पनर। ये देख सकते हो दोस्तों काफी जबरदस्त दोस्तों, काफी अमेजिंग। और यहां से दोस्तों हम पेंसिल को डालेंगे, पेंसिल को शार्प करेंगे, सारा कूड़ा दोस्तों इसमें जमा हो जाएगा। फिर दोस्तों कूड़े को कैसे निकालेंगे, तो इसके टायर को कुछ इस तरह से खोलेंगे, फिर दोस्तों पेंसिल का सारा कूड़ा फेंक देंगे। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो यहां देखो दोस्तों एक गाइस हमें पॉकेट मिलता है, जिसमें दोस्तों हम अपना पूरा क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं। और यहां देखो दोस्तों एक कंपार्टमेंट मिलता है, इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें मिलता है एक पेंसिल लॉक। और कितनी पेंसिल लॉक मिलती है इसके अंदर, एक दो तीन चार पांच, पांच पेंसिल लॉक मिल जाती है दोस्तों। चलो बंद करते, पीछे वाला ढक्कन ओपन करते, देखते कितना स्पेस है। पीछे वाला ढक्कन ओपन किया तो पीछे भी दोस्तों हमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, और पीछे वाले कंपार्टमेंट की गहराई काफी अच्छे, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक आइसक्रीम लुक में दोस्तों डायरी। ये देखो दोस्तों, और इस डायरी में देखो दोस्तों कितने तरह के पेज है, तीन तरह के पेज मिलते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों इसमें आइसक्रीम लुक में दोस्तों पेजेस मिलते हैं, और सेकंड पेज देखो दोस्तों कुछ इस तरह के मिलते हैं सिंपल से, और तीसरे पेज देखो दोस्तों काफी बड़े बड़े पेजेस मिलते हैं, और काफी सारे पेजेस हैं दोस्तों इस आइसक्रीम वाली डायरी के अंदर। देख सकते हो दोस्तों काफी जबरदस्त डायरी है, और ऐसी डायरी मैंने कभी भी नहीं देखी थी दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है और कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में मिलता है हमें एक सिंगापुर बॉक्स दोस्तों। चलो फटाफट दोस्तों इस बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, मेटल का दोस्तों ये बॉक्स है, और बॉक्स की पैकिंग भी दोस्तों काफी अच्छी लग रही है दोस्तों, खुल भी नहीं रहा, काफी टाइट है। और खोलते ये देखो दोस्तों इसके अंदर हमें कितनी सारी चीजें मिली। सबसे पहले देखो दोस्तों हमें सिंगापुर का मिलता है एक पेन, ये देखो दोस्तों काफी जबरदस्त पेन मिलता है, काफी अमेजिंग पेन मिलता है। और ये देखो दोस्तों इसके अंदर मिलती है दोस्तों हमें दो दो एचबी पेंसिल, और हेक्सागोन वाली दोस्तों एचबी पेंसिल मिल जाती है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलता है सिंगापुर का एक कंटेनर, और इस कंटेनर में मिलता है हमें एक पेंसिल शार्पनर। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर मिलता है हमें एक काफी मोटी सी इरेजर, और ये देखो दोस्तों इसमें मिलता है हमें एक रूलर सिंगापुर का। देख सकते हो दोस्तों काफी जबरदस्त रूलर है, 15 सेंटीमीटर का रूलर मिलता है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एचबी नीडल बॉक्स। ये देख सकते हो दोस्तों इस बॉक्स में दोस्तों हमें नीडल्स मिल जाती है। चलो दिखाता हूं, तो ये देखो दोस्तों बॉक्स से निकाला, और देखो दोस्तों ये है एचबी पेंसिल नीडल्स दोस्तों, काफी जबरदस्त। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो ये देखो दोस्तों इसके को हटाया तो पीछे देखो दोस्तों हमें क्या मिला, सिंगापुर का एक आईडी कार्ड। ये तो काफी जबरदस्त बॉक्स है, काफी अमेजिंग बॉक्स है दोस्तों। तो आपको ये सिंगापुर बॉक्स कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक पाउच दोस्तों, पेंसिल पाउच है, और इस पेंसिल पाउच के ऊपर देखो दोस्तों ब्लॉक्स मिल जाते हैं। चलो जिप को ओपन करते देखते हैं दोस्तों इसमें कितना स्पेस है। ओपन किया तो इसके अंदर दोस्तों हमें दो दो पॉकेट मिलते हैं, देख सकते हो एक साइड इधर पॉकेट मिलता है और इधर भी पॉकेट मिलता है। दोनों पॉकेट में दोस्तों हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और इस वाले पॉकेट में देखो दोस्तों हमें क्या मिले, ब्लॉक्स मिले, और इन ब्लॉक्स की सहायता से दोस्तों हम इस पे अपना नाम भी लिख सकते हैं। काफी जबरदस्त ये पेंसिल पाउच है, काफी अमेजिंग पेंसिल पाउच है। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो बॉक्स हो गया खाली, आज इस बॉक्स में दोस्तों हमें एक से बढ़ के एक स्टेशनरी आइटम मिले। आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो साथ अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।